अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनियाज किचन। व्यूअर्स, मैं बना रही हूँ आज एक ऐसी रेसिपी जो अक्सर घरों में बच्चों को बहुत पसंद होती है। मैं बना रही हूँ जी नमक पारे। बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं नमक पारे, जिनके लिए आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो इंग्रेडिएंट्स आपको घर पर ही ईजीली मिल जाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक पारों के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। मैदा लिया है मैंने 1.5 कप। ये देखें, इस कप के हिसाब से मैंने लिया है मैदा, 1.5 कप मैदा लिया है। इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून ऑयल और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखिए, मैंने हाथों से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। इसको इसमें शामिल करके पानी से गूंद लेंगे। पानी हमें ज़रूरत के हिसाब से चाहिए, जितना ज़रूरत होगा उतना इस्तेमाल कर लेंगे हम, लेकिन पानी इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ये देखें, थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें पानी। एक ही दफ़ा में हमने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल देना, इससे मैदा जो है नरम हो जाएगा। मैदा हमें बहुत नरम नहीं चाहिए, बस ऐसा हो कि इजीली बेला जा सके। अब इसको ऐसे ऐसे हल्का हल्का पानी लगा के गूंद लेंगे। ये देखें, हाथों को हल्का हल्का पानी लगा के फिर मैंने गूंदा है इसको। देखें, मैदे को मैंने गूंद लिया है। अब मैं इसको क्लिंग लगा के आधे घंटे के लिए रेस्ट दूंगी। आप इसको गीले कपड़े जैसे भी कवर कर सकते हैं और क्लिंग से भी। अब आधे घंटे बाद हम इससे नमक पारे तैयार करेंगे। ये देखें जी, डो को तैयार किए हुए मैं आधा घंटा हो गया है। अब इससे क्लिंग हटा रही हूँ मैं और इसको बेल के नमक पारे तैयार करते हैं। डो को लगा रही हूँ मैं खुश्क मैदा। इसका पेड़ा बनाएंगे और अब मैं इसको बेलूंगी। ये देखें, डो को मैंने बेल लिया पतला सा। आप चाहें तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके, यानी दो पेड़े बना के फिर भी बेल सकते हैं। मैंने एक ही पेड़ा बनाया और उसको बेल लिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, लेकिन कटिंग करने से पहले मैं चूल्हे पे ऑयल गर्म होने के लिए रख रही हूँ, ताकि जितनी देर हम कटिंग करें उतनी देर में ऑयल भी गर्म हो जाए। ये देखें जी, पिज़्ज़ा कटर लेके अब उससे हम इसकी पतली पतली स्ट्रिप्स काटेंगे। डो को मैंने ऐसे बेल के स्ट्रिप्स में काट लिया। अब हम इसकी कटिंग जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड से करेंगे। ये देखें, बहुत इजी रेसिपी, आप इजीली घर पे बना सकते हैं। मूमन ऐसी चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद होती हैं,
ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखें जी, हमने ऐसे कटिंग कर ली है। अब मैं इनको उठा के प्लेट में रखूँगी ताकि हम इकट्ठे जो हैं वो कढ़ाई में डाल सकें। अगर एक एक करके डालेंगे तो ज़्यादा रह जाएंगे और कुछ ज़्यादा पक जाएंगे, तो इसलिए पहले मैं प्लेट में डाल रही हूँ इनको। ये देखें जी, प्लेट में मैंने निकाल लिए हैं। अब इनको मैं फ्राई करूँगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसको मैं कढ़ाई में डालूँगी। और साथ में इनको हिलाना है। थोड़ी तेज ही रखनी है और इनको हिलाते रहना। अच्छा गोल्डन सा कलर आ जाए तो मैं इनको निकाल लूंगी। ये देखें गोल्डन हो गए हैं, नमक पा रहे हैं। अब मैं इनको निकाल रही हूँ। इनको मैंने निकाल लिया है। अब जो बाकी के बने हुए हैं मैं उनको भी फ्राई कर लेती हूँ। ये देखें जी, हमारे नमक पारे तैयार हैं, बहुत ही मज़े के क्रिस्पी से बने हैं। ये देखें, चाहें तो इनको ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। लेकिन हमने घर पर ट्राई किया है कि अगर इन पर चाट मसाला डाल के खाया जाए तो ये और ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो इनमें डाल रही हूँ जी मैं 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून ऐसे प्लेट से कवर करके ऐसे टॉस कर लेंगे ताकि जो चाट मसाला है, जितने भी नमक पा रहे हैं उन सबको लग जाए। अब मैंने फिर से प्लेट में शिफ्ट कर दिए ताकि आपको दिखा सकूं। तो अब नमक पारे हमारे बिल्कुल रेडी हैं, आप इनको खाएं चाट मसाले के साथ या वैसे ही, बहुत टेस्टी लगेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूं कि आपको और आपके बच्चों को पसंद आएंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाके ऑल के ऑप्शन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। अब इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।